नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ कि आप सभी अपने घर पे सुरक्षित होंगे, COVID-19 से बच रहे होंगे, सभी अपने घर का पूरा घर वालों का और अपना पूरा ख्याल रख रहे होंगे। तो आज हम बात करते हैं एक नए टॉपिक की, जिसका लोगों को आजकल इन दिनों में काफ़ी चर्चा मिला है। टूर ऑफ ड्यूटी, आर्मी को कैसे ज्वाइन करें, 3 साल के लिए आर्मी को कैसे ज्वाइन करें। तो दोस्तों, आज हम उसी मैटर पे बात करते हैं। जो वह मनसा थल सेना, वायु सेना और नौसेना में अगर अपना करियर बनाना चाहता है, तो फ्यूचर में आपके पास एक और मौका होगा अपार्ट फ्रॉम परमानेंट कमीशन एंड शॉर्ट सर्विस कमीशन, और ये होगी 3 साल की टूर ऑफ ड्यूटी। और इसके टर्म एंड कंडीशन क्या होंगे, किस तरह की सर्विस होगी, और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि भारत सरकार इस तरह का प्रपोजल क्यों लेके आई और इसके पीछे रीज़न क्या है, आज इस वीडियो में मैं आपके साथ सतीश पूनिया पहल क्लासेस से डिस्कस करेंगे। तो कुछ ही दिन पहले मीडिया हाउसेस ने रिपोर्ट किया कि सरकार एक ट्यूर ऑफ ड्यूटी मॉडल के ऊपर विचार कर रही है। तो याद रखिए, भारत सरकार और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने अभी तक ऑफिशियली अभी तक कोई भी टिप्पणी नहीं की है, और यहाँ पर जो भी मैं आपके साथ डिस्कशन कर रहा हूँ वो ओनली मीडिया न्यूज़ के आधार पर ही कर रहा हूँ। तो कोई मीडिया ऑर्गेनाइजेशन इसके ऊपर रिपोर्ट किया है और उनके हाथ में एक कोई इंटरनल मेमो लग गया है जो कि आर्मी का इंटरनल कम्युनिकेशन था। हालांकि अभी तक किसी भी प्रकार का इस पब्लिक नहीं किया है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। ये मीडिया रिपोर्ट में कुछ तो सच्चाई है, क्योंकि CDS श्री विपिन रावत जी ने एक रिपोर्टर से बात करते हुए ये बात एक्सेप्ट की थी कि हम कुछ इस तरह के मॉडल पे चर्चा कर रहे हैं और इस तरह के शॉर्ट सर्विस थोड़ा इनोग्रेटिव बनाएं, कुछ नए तरीके से कमीशन भी चालू की जा सकेंगे। इस तरह उन्होंने कुछ हिंट दिए हैं जो डेफिनेटली इस मैटर पर बातचीत ज़रूर हो रही है और इंटरनली कुछ डिस्कशन हो रहा है। आने वाले कुछ वीक या कुछ महीनों में ऑफिशियली आर्मी और सरकार हम अगर इस वक्त में आर्मी का स्ट्रक्चर की बात करें, तो आर्मी की भर्ती होने में होने वाले ऑफिसर दो प्रकार से भर्ती होते हैं। वो है एक परमानेंट कमीशन, जो कि परमानेंट पूरा करियर अपना आर्मी में ही बिताते हैं। उनकी रिटायरमेंट एज लगभग 54 से 58 के आसपास की होती है, डिफेंडिंग ऑन उनकी रैंक पे डिफेंड करता है वो। दूसरी है शॉर्ट सर्विस कमीशन, जैसे कि उसके नाम से ही पता चल रहा है कि शॉर्ट सर्विस होती है। यहाँ पर सर्विस होती है 10 से 14 साल की। शॉर्ट सर्विस कमीशन में 10 से 14 साल तक की सर्विस की जाती है। तो 10 से 14 साल से आप आर्मी के साथ अपना कैरियर बिताने के बाद आपको रिटायरमेंट होना ही पड़ेगा, और आप कुछ लोगों को शॉर्ट सर्विस में से भी परमानेंट सर्विस में मौका मिल जाता है। ये सबको नहीं मिलता, क्योंकि आर्मी में एक पिरामिड शेप की एक हायरार्की होती है। जितने ऑफिसर इस लेवल पर होंगे वो सभी प्रमोट नहीं हो सकते हैं। जैसे जैसे ऊपर की रैंक पे जाते हैं जाते, वैसे वैसे पिरामिड और छोटा होता जाता है। इसलिए एट सेम लेवल आर्मी वो लेवल कर्नल का होता है। कर्नल की पोस्ट पर ज़्यादातर शॉर्ट सर्विस कमीशन रिटायर्ड हो जाते हैं। तो परमानेंट सर्विस में जाने के कुछ तरीके होते हैं, जैसे NDA, CDS, OTA। तो बहुत सारी अलग अलग एंट्रीज़ हैं आर्मी में, और उसके अनुसार शॉर्ट सर्विस कमीशन या परमानेंट सर्विस कमीशन में जा सकते हैं। तो कुल मिला के अगर इस वक्त आर्मी और एयरफोर्स में जो भी जाता है, तो वो दो ही रास्ते होते मिलते हैं। मेनली दो ही रास्ते होते हैं कि एक तो 10 से 14 साल की नौकरी करेंगे, या फिर ज़िंदगी भर आर्मी में परमानेंट सर्विस के कमीशन के थ्रू और रिटायरमेंट तक वो अपनी आर्मी में समय बिताएंगे। तो अब टूर ऑफ ड्यूटी आर्मी ने ज्वाइन करने के लिए तीसरा रास्ता बनाने जा रही है, और इस तरह से इंटर्नशिप
विथ मिल्ट्री भी इसको कहा जा सकता है। अगर आप 30 साल और 12 साल की सर्विस को कंपेयर करेंगे तो 3 साल की सर्विस को 3 साल की सर्विस से तो इट्स कॉल्ड इंटर्नशिप, ये एक तरह से इंटर्नशिप ही मानी जाएगी, क्योंकि कहाँ 30 साल और कहाँ 12 साल की सर्विस करके आएगा और एक 3 साल की जो सर्विस करेगा उसको इंटर्नशिप के तौर पे ही देखा जाएगा। लेकिन 3 साल की सर्विस होने के कारण इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें कुछ फिटनेस में रिलैक्सेशन मिलेगा, फिजिकल में रिलैक्सेशन मिलेगा या फिर कुछ अदर कुछ भर्ती के नॉर्म्स में कुछ छूट मिलेगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा आपके कोई दिमाग में चल रहा है तो उस चीज़ को भूल जाइए। इसमें वही स्टैंडर्ड, वही नियम, वही रूल, सभी वही लागू रहेंगे जो कि एक आर्मी के फिट नौजवान में होने चाहिए। वही नियम, वही रूल रेगुलेशन को फॉलो करके ही आप आर्मी के अंदर इस 3 साल की सर्विस ट्यूर ऑफ ड्यूटी के अंदर आप भर्ती हो सकेंगे। इस वक्त कुछ युवा ऐसे हो सकते हैं जो सोचते हैं कि मेरा पूरा जीवन आर्मी में नया लगा के, कुछ युवा ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं कि भाई मैं मेरा पूरा जीवन आर्मी में नया लगा के मैं एक शॉर्ट टाइम के लिए भी मैं आर्मी ज्वाइन करूं, मैं मेरी देशभक्ति दिखा सकूं, तो ऐसे युवाओं के लिए ये ट्यूर ऑफ ड्यूटी एक सुनहरा अवसर हो सकता है। बाय द वे, ट्यूर ऑफ ड्यूटी का एक सिंपल मतलब ये होता है कि जैसे अमेरिका में ये टर्म काफ़ी यूज़ किया जाता है, जैसे वहाँ पे किसी को सैनिक को इराक भेजना हो तो इराक के लिए उसको 2 या 3 साल के लिए भर्ती करके उसको वहाँ पे भर्ती करने के बाद में उसको इराक भेज दिया जाता है, वो अपनी सर्विस को जैसे वो टूर को पूरा करके वापस आता है। यूएसए मिलिट्री में रिक्वायरमेंट भी इसी तरह से ही मोस्टली होती है, वो दो साल चार साल और छः साल के लिए रिक्रूटमेंट किया जाता है और वो अपनी टूर करके जैसे भी कोई सैनिक है वो टूर करने के लिए जैसे इराक गया तो वहाँ से वापस इराक से आके वो अपना टूर कंप्लीट करेगा और अपनी आर्मी की ड्यूटी से ऑफ हो जाएगा। इसमें अपन लक्ष्य मूवी के करण शेरगिल जैसे युवाओं को भी बहुत फ़ायदा हो सकता है, जैसे उनके पिताजी उसको बार बार टोकते रहते थे कि भाई तुम अब मेरा बिजनेस संभालो, लेकिन वो देशभक्त की मिसाल में था और देशभक्त था तो वो कहता था कि नहीं, मैं देशभक्ति मेरा लक्ष्य है और देशभक्ति ही करूँगा। तो उसी तरह से उसने पहले 3 साल या 4 साल वो आर्मी ज्वाइन की और उसके बाद आके उसने वापस आके अपने पिताजी का बिजनेस संभाला था। एक और आर्मी प्लान कर रही है कि इनवर्स इंडक्शन, इसका मतलब ये है कि CAPF जैसे PSF, CRPF, CISF इनके ऑफिसर और जवानों को फौज में भर्ती कर लिया जाए। इससे फ़ायदा ये होगा कि ये एक तो ऑलरेडी ट्रेनिंग किए हुए हैं, इनके ऊपर ज़्यादा समय भी नहीं लगाना पड़ेगा और दूसरी बात, सबसे मोस्टली बात, ये दे ऑल एक्सपीरियंस्ड बंदे हैं, ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड है। जैसे नक्सलाइजेशन के लड़ने में इनकी काफ़ी हद तक मदद ली जा रही है, ऐसे में आर्मी को बहुत फ़ायदा होगा, समय को भी बचाया जा सकेगा। और CAPF को फ़ायदा ये है कि वो अपनी आर्मी में यहाँ पे आर्मी में सर्विस करने के बाद में वापस अपनी यहाँ पे सेवा देने के बाद वापस अपनी सर्विस में लौट सकते हैं, पुरानी सर्विस में। और आर्मी को इसमें मोस्टली ये फ़ायदा होगा कि इसमें पेंशन नहीं देनी पड़ेगी और लॉन्ग टर्म के जो बेनिफिट्स होते हैं, जो भी रिटायरमेंट के बेनिफिट टाइम पे या फिर कैजुअलिटी लीव वगैरह जो भी है XYZ, जितने भी जो उनको बेनिफिट्स मिलते हैं वो उनको आर्मी को नहीं देना पड़ेगा, वो CAPF को ही देने पड़ेंगे। तो आर्मी का बजट से इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता दिख रहा है। तो इस मॉडल पे जाएं तो अभी तक सरकार ने डिफेंस बजट में कम करने के लिए काफ़ी दबाव बना हुआ है। इस मॉडल को इसलिए गवर्नमेंट लेके आ रही है क्योंकि इसके ऊपर डिफेंस का बजट जो है कम करने के लिए काफ़ी हद तक दबाव बना हुआ है। पर सरकार 10 साल की सर्विस में एक देखा जाए तो एक ऑफिसर के ऊपर कम से कम 5 करोड़ अप्रोक्सीमेट और 14 साल की सर्विस में अप्रोक्सीमेट 6 करोड़ रुपए का खर्चा करती है। और इसी मॉडल में अगर देखा जाए तो 3 साल में एक जवान के ऊपर या ऑफिसर के ऊपर 80 से 85 लाख रुपए ही खर्च होंगे। तो इससे देखा जाए तो एक ऑफिसर के ऊपर से जो खर्चा आ रहा था वो 4.5 करोड़ रुपए की सेविंग एक जवान से हो सकती है।
तो टूर और ड्यूटी में अगर लड़ाई के समय देखा जाए, एक डाउट ये भी चल रहा है कि टूर और ड्यूटी में 3 साल की शॉर्ट कमीशन ड्यूटी के अंदर अपने जवानों को बेनिफिट क्या क्या मिलेंगे, तो इनके अंदर ऐसा कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। लेकिन एक चीज़ सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि अगर लड़ाई के समय जवान की डेथ हो जाती है तो उसको सारे के सारे बेनिफिट मिलेंगे जो एक जवान को मिलते हैं आर्मी के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग। और देखा जाए तो ये सारा मुद्दा पेंशन को लेकर ही है। 2020-21 में देखें तो 1,33,825 करोड़ रुपये डिफेंस पेंशन बजट था। वहीं देखा जाए तो 2005 और 2006 में ये बजट 12,715 करोड़ था। अब ये 10 गुना बढ़ गया है। डिफेंस का बजट जो ज़्यादा सैलरी और पेंशन देने में जा रहा है, जिससे आर्मी को आर्मी में नवाचार करने में दिक्कत आ रही है। इस मॉडल को हम कभी काफ़ी हद तक बजट में से इस मॉडल से हम काफ़ी हद तक बजट की सेविंग कर सकते हैं। और अभी जो महामारी चल रही है COVID-19 के कारण भी डिफेंस बजट पर काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ा है। और अभी गवर्नमेंट न्यूज़ में आया था, कुछ गवर्नमेंट ने 40% तक बजट को कट करने के लिए डिफेंस बजट में से कम करने के लिए कहा गया है। तो और साथ ही जो कुछ डीलें चल रही थी फ्रांस के साथ में या अदर कहीं पर भी जो भी डील चल रही थी, उनको भी 6 महीने के लिए, हो सकता है 12 महीने के लिए भी अभी इनको रेफ़र किया गया है। ये जो टूर ऑफ ड्यूटी मॉडल है, ये एक आर्मी को नवाचार करने या मॉडलाइजेशन करने के लिए उपयोग में लिया जाएगा। अभी प्लान ये है कि 100 ऑफिसर और 100 जवान की भर्ती की जाए और 10% फोर्स इसी मॉडल से करी जाए, लेकिन शुरुआत में 100 ऑफिसर और 1,000 जवान भर्ती करेंगे। ये प्लान तक्षशिला नामक इंस्टीट्यूट से आया था, उन्होंने भी यही कहा था कि कम से कम 10% भर्ती इसी मॉडल से की जाए, ताकि अपने देश के डिफेंस बजट में से, रक्षा बजट में से काफ़ी हद तक बचाया जाए और सेविंग किया जाए और आर्मी के अंदर दिन ब दिन कुछ नवाचार ला सकें। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने शुरू में भी आपको बताया था, पहले भी वही अब मैं रिपीट कर रहा हूँ कि इसमें अभी तक इस तरह के मॉडल पे अभी तक गवर्नमेंट और डिफेंस मिनिस्ट्री ने अभी तक कोई भी एडवाइजरी या कोई भी नोटिफिकेशन या कोई भी टिप्पणी अभी तक नहीं किया है। इस न्यूज़ का सारा सोर्स मीडिया के जो आ रहे हैं उन्हीं के थ्रू ही अभी तक ये सारा कुछ आपके सामने मैं प्रस्तुत कर पाया हूँ। इसमें जो भी जानकारी का सोर्स है वो सारा है मीडिया ही है। तो धन्यवाद दोस्तों, इसी तरह की जानकारी लेके मैं आपके सामने प्रस्तुत होता रहूँगा। धन्यवाद। ओके, जय हिंद, जय भारत।